रायपुर निवासी धर्मपाल पैनीवाल की पुत्री दीक्षा और राजस्थान के बड़वीराना निवासी सुभाष चंद्र की बिना दहेज की शादी बनी चर्चा का विषय। बता दें, राजस्थान की सीमा से सटे सिरसा जिले के पैंतालीसा क्षेत्र में दहेज प्रतारूपी तानव को खत्म करने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को गांव रायपुर निवासी धर्मपाल बेनीवाल की पुत्री दीक्षा की शादी बड़वीराना नौहर राजस्थान के आईटी प्रोफेशनल सुभाष चंद्र सिवर के साथ धूमधाम से संपन्न हुई। शादी में सभी परंपरागत रस्में अदा की गईं। जब विदाई का समय वधु पक्ष की ओर से 15 लाख रुपए थाली में रखे गए तो वर के पिता महावीर सिवर ने मात्र 1 रुपये और नारियल यह कहकर स्वीकार किया कि दुल्हन ही दहेज है। शादी समारोह में नाथूसरी चौपटा ब्लॉक समिति के चेयरमैन वीरेंद्र साहू, जमाल के सरपंच नंदलाल पैनीवाल, जिला पार्षद हरपाल, काशनिया सुरेंद्र पैनीवाल, महेंद्र पाना सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और बिना दहेज की शादी हरियाणा व राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। 16 फरवरी को सिरसा जिले के रायपुर के धर्मपाल वैनीवाल की पुत्री दीक्षा की शादी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव बड़वीराना निवासी सुभाष चंद्र पुत्र महावीर शिव के साथ पूरे रस्मों रिवाज से संपन्न हुई। सुबह विदाई के समय धर्मपाल वैनीवाल ने विदाई की रस्म अदा करते हुए सुमठनी की थाली में 15 लाख रुपए नकद रखे तो लड़के के पिता महावीर सिवर ने दहेज में लेने से मना कर दिया और रस्म के मुताबिक शगुन का मात्र 1 रुपया व नारियल ही स्वीकार किया। इस मौके पर महावीर सिवर ने कहा कि वह पेशे से अध्यापक हैं और हमेशा से ही समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ रहे हैं। इसी के तहत दहेज प्रथा तो बिल्कुल ही बंद करने के पक्ष में हैं। उन्होंने बताया कि उसके 2 बेटे हैं, सुभाष चंद्र और अनिल, दोनों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करवाई है। उन्होंने बताया कि वधु पक्ष की ओर से गाड़ी देने की बात कही गई, वह तो उन्होंने पहले से ही अस्वीकार कर दिया तथा आज विदाई के समय उन्होंने जो 15 लाख रुपए राशि देनी चाही तो उन्होंने उनका मान रखते हुए शगुन के रूप में मात्र 1 रुपये और नारियल ही लेकर दुल्हन को ही दहेज में स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि समाज अन्य लोगों को भी सबक लेकर दहेज प्रथा रूपी तानव को खत्म करना चाहिए। दीक्षा के माता पिता और धर्मपाल वैनीवाल ने कहा कि दीक्षा ने एमएससी मैथ और बीएड तक पढ़ाई की हुई है। उन्होंने शादी भी धूमधाम से संपन्न की है। उन्होंने कहा है कि वह बहुत खुश हैं कि उनकी पुत्री को ऐसा परिवार मिला जो दहेज के लोभी नहीं है और वह अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी बेटी को दहेज से पहले ही शिक्षित कर अपना फर्ज निभाना चाहिए और समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने में योगदान देना चाहिए। आप देख रहे हैं मेवास सिटी न्यूज। पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से सबसे सलाह मशवरा किया कि भी मेरा ये विचार है कि भी हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, तो थोड़ा बहुत विरोधाभास के बाद सभी इस बार हो चुकी है। क्या लगता है, इस तरह का आपने ये बीड़ा उठाया है, समाज के अंदर कितना फर्क पड़ेगा, क्या आप मानते हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के उदाहरण यदि समाज में आगे आकर के शिक्षक वर्ग या सामान्य वर्ग से यदि कोई आकर के आगे प्रस्तुत करता है तो उसका समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे हम दहेज प्रथा को खत्म कर सकते हैं, कर सकेंगे। कुछ कहना है, इस तरह का ये शुरुआत यहाँ से हुई है, हमें इतने बढ़िया रिश्तेदार जो मिले, बेटे का बाप ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है भी मैं रिश्तेदारों को खुश करूं और बेटी को इतना दूं, लेकिन इन्होंने सब कुछ इग्नोर करके के एक बेटी को स्वीकार किया, मैं इनका धन्यवाद। समाज के अंदर क्या, समाज के अंदर इस चीज़ का बहुत ही बढ़िया मैसेज जाएगा। आजकल लगभग छोटी पीढ़ी भी पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं और इस कुरीति को छोड़ने के लिए ऐसी कई घटनाएं अगर सामने आए तो इसका बहुत बढ़िया मैसेज आएगा, लोगों के समझ में भी आएगा।